अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी, एक न्यूज़ देखी है कि जापान पुलिस ने एक बंदा पकड़ा है जो कि यही 2 नंबर वीज़े बना बना कर लोगों को दे रहा था। जापान में एलियन कार्ड बोलते हैं या जारियो कार्ड बोलते हैं, वीज़ा ही समझे होता है जेब में रखने के लिए, अगर कहीं पर चेकिंग वगैरह हो या काम वगैरह लगना हो तो वही शो किया जाता है। तो ये बंदा नगोया पुलिस ने पकड़ा है, नगोया एरिया, नगोया सिटी में ये बंदा पकड़ा गया है। और ये 3,000 से 4,000 तक ये वीज़ा जो है 2 नंबर वीज़े समझे बनाकर ये लोगों को सेल आउट कर चुका था। और जब पकड़ा गया है तो इसका कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह यानी कि पूरा सामान भी साथ में पकड़ा है। और ये खाली वीज़े बना बना कर नहीं लोगों को दे रहा था, बल्कि साथ में माई नंबर भी, जो लोग जापान में हैं उनको पता है कि माई नंबर भी और इंश्योरेंस कार्ड भी ये लोगों को बनाकर दे रहा था। और जाहिर सी बात है बेचता ही था। और अब तक जो उसने बताया पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कि उसने बताया जी 1.6 मिलियन येन तक यानी कि 16 लाख जापानी येन तक वो ये सेल आउट कर चुका है। तो आप देख लें खुदी। और ये बंदा कहाँ का है, ये 25-26 साल इसकी उम्र है और ये चाइनीज है, चाइना का बंदा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस किस्म के जब वाकया तो होते हैं तो अब ये 3,000 या 4,000 कार्ड इसने बना चुका है तो फिर वो इमिग्रेशन वाले भी या पुलिस भी ये सोचते हैं, फिर देखते हैं कि भाई ये बंदे कहाँ पर हैं। क्योंकि वो ये तो नहीं है कि वीज़ा 6 महीने का या 1 साल का बना के दे रहा है, वो तो वीज़े बना के दे रहा है, किसी को 1 साल का, किसी को 3 साल का, इस तरह के वीज़े वो बना के दे रहा है। और ये बंदे हैं कहाँ पर, तो फिर इन ऐसे कामों की वजह से फिर चेकिंग हो जाती है ज़्यादा, और फैक्ट्री वगैरह में चेकिंग होती है। और फिर इसमें दूसरे बंदे भी फंसते हैं जिनका किसी ना किसी तरह से समझे, किसी का चाहे रेफ्यूजी वीज़ा हो वो ख़त्म हो गया हो, या वो स्टूडेंट वीज़ा हो ओवरवर्क कर रहा हो, तो ये फिर सारे बंदे इस तरह के फिर इस काम के अंदर वो भी फंस जाते हैं। तो भाई इस किस्म के भी हालात हैं और ये काम भी हो रहे हैं। और ये एक बंदा नहीं पकड़ा गया, इससे पहले भी 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसमें भी बंदा ये इसी तरह के बंदे पकड़े गए थे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस तक ये 2 नंबर बनाकर बेच रहे थे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।